तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हर कोई एक दूसरे से सवाल पूछ रहा है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी साहब है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी न्यूज के लिए, वक्त निकालने के लिए। और मेरा पहला सवाल आप ही से है, जो भी मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट जिसका जिक्र मैंने किया, वो कह रहे हैं कि आपको भी क्या वो लाल आंखें दिखाई नहीं दे रही जो कांग्रेस पार्टी को दिखाई नहीं दे रही है इस वक्त। वो कह रहे हैं चीनी चश्मा लगा रखा है कांग्रेस पार्टी ने, माफ कीजिएगा बीजेपी ने। स्वामी साहब कैन यू हियर मी? डॉक्टर स्वामी आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है उन तक हमारी आवाज पहुंच यहां नहीं पा रही है, लेकिन हम आपको आज जो सियासत हुई है सोचिए जरा, ये मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट है, एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे कि किस तरह से आपको हम ये दिखाएंगे कि किस तरह लाल आंखों का जिक्र बार बार किया जा रहा है। तो आपने क्या देखा है, जब से तवांग में ये झड़प हुई है उसके बाद से ही लाल आंखों का जिक्र बार बार किया जा रहा है, 56 इंच के सीने का जिक्र बार बार किया जा रहा है, और अब इसी कड़ी में और आगे बढ़े। देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे वो चीनी चश्मे का जिक्र कर रहे हैं। अगर वो ट्वीट एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को दिखा पाए कि किस तरह से वो ये कह रहे हैं कि अब तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय संसद में, इंडिया की पार्लियामेंट में चाइना के विरुद्ध बोलने की आजादी नहीं है, बोलने की अनुमति नहीं है। ये सवाल कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे पूछ रहे हैं। उनके द्वारा जो ट्वीट किया गया है इस वक्त वो आपके स्क्रीन पर है। वो कह रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है कि मोदी सरकार की लाल आंख पर चीनी चश्मा लग गया है। पहले वो ये कहते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि अब भारतीय संसद में चाइना के विरुद्ध बोलने की अनुमति नहीं है। ये दो सवाल वो यहां पर उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बार बार ये कह रही है कि मोदी सरकार जो है उसकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो पूरे तरीके से फेल हो गए हैं, वो फ्लॉप साबित हुए हैं, खासतौर पर चाइना द्वारा जिस तरह से गलवान में एक हरकत की गई, अब तवांग में ये हरकत की गई। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। हमारे साथ अभय दुबे हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, प्रेम शुक्ला जी अब से थोड़ी देर बाद हमारे साथ होंगे, हमारे साथ कलीमुल हफीज हैं AIMIM का पक्ष रखने के लिए, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हैं डिफेंस एक्सपर्ट हैं। लेकिन अभय दुबे जी, ये जो चीनी चश्मे का सवाल है जिसे लेकर आपकी पार्टी, जिसे लेकर आपके पार्टी प्रेसिडेंट द्वारा ये ट्वीट किया गया है, ये चीनी चश्मे का क्या सवाल है? आदिति जी, लंबे समय से हम मोदी सरकार से ये कह रहे हैं कि चीन के लिए आपकी एक कंसिस्टेंट पॉलिसी होनी चाहिए। चीन लगातार भारत की भूभागीय अखंडता से खिलवाड़ कर रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, सबसे पहले डोकलाम पर हमें ये कहा गया, जब 71 डेज का स्टैंड ऑफ था तो ये कहा गया कि दोनों सेनाएं अपने अपने स्थानों पर चली गई है और डिसइंगेजमेंट हो गया। लेकिन अगस्त 17 के बाद मार्च 18 में निर्मला सीतारमन जी बताती है कि चीन ने उसी स्थान पर परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, इंक्लूडिंग सैनिटरी पोस्ट, ट्रेंचेस एंड हेलीपैड्स। उसके बाद जब गलवान घाटी में जो घटना हुई जहां हमारे सैनिकों की शहादत हुई, तो MEA ने पहला जो स्टेटमेंट इशू किया उसमें यह कहा कि यूनिलेटरली स्टेटस को चेंज चाइना ने किया है। MEA ने चाइना के MEA से नेक्स्ट डे टेलीफोन पर बात की, वो कन्वर्सेशन MEA के वेबसाइट पर है, उसमें भी उन्होंने कहा। ठीक है सर, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी है, मुझे उम्मीद है आप भी उन्हें सुनना चाहेंगे। डॉक्टर स्वामी बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज पर आपका, वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले चाइना को लेकर, कैन यू हियर मी सर? ब्लूटूथ देखता हूँ डॉक्टर स्वामी, एम आई ऑडिबल टू यू सर? ऑन ब्लूटूथ है। No, he can't hear me. एक बार फिर से उनका रुख करेंगे, लेकिन यहाँ पर जनरल कुलकर्णी जल्दी से मैं एक कमेंट आपका लेना चाहती हूँ। यहाँ पर आप सुन रहे हैं बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, चाइनीज एग्रेशन की बात की जा रही है, एज अ डिफेंस एक्सपर्ट ये सारे जो पॉलिटिकल एलिगेशंस हैं या क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स हैं, इन्हें आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जब तक हम लोगों को अगर मालूम नहीं है रिसेंट अभी क्या हुआ, जैसे यांगसे पे क्या हुआ, ये कहना कि किस तरीके से हुआ ये गलत होगा, क्योंकि ये सिक्योरिटी का मामला है। और ये मैं खुद कह सकता हूँ क्योंकि मैं 99 से ये देखता आ रहा हूँ, 99 के बाद 2006-07 में मैं उधर ही था, 99 में उधर ही था, और तब भी ऐसे ही हुआ जब कारगिल वॉर हुआ, उसी जगह पर हुआ जहाँ पे अब हुआ है।
2022 में और 2021 में हुआ। तो ये जो चाइनीज का जो परसेप्शन है और वो चाहते हैं, यही चाहते हैं कि भारत के ऊपर दबाव बनाए रखे। अभी नहीं, 1950 से ये चलता आ रहा है और ये नई बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि चीन ऐसा पड़ोसी निकलेगा, क्योंकि हमारा पड़ोसी तिब्बत था और तिब्बत के पड़ोस, इसीलिए तो 1950 में जो सरदार पटेल ने चिट्ठी लिखी थी उस चिट्ठी से साफ जाहिर होता है कि चीन की क्या मंशा होगी, चीन क्या करेगा और चीन ने क्या करना है और हमने क्या करना चाहिए। 1950 नवंबर 1950 का लेटर है सरदार पटेल टू द देन प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू। तो ये साफ जाहिर होता है कि अब ये इसके ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। हाँ, चीन जो है जरूर इस तरह की हरकतें कर रहा है जो बिल्कुल खराब नहीं, लेकिन ये क्लेम किया जा रहा है कि चाइना ने आपका लैंड एक्वायर किया हुआ है, उसने लैंड ग्रैबिंग की है और मोदी सरकार जो है उसमें पूरे तरीके से नाकाम रही है उसे रोकने में। भारत का एक बड़ा भूखंड उसके पास है, ये क्लेम किया जा रहा है मोदी गवर्नमेंट की निगरानी में जो पॉलिटिकल एलिगेशंस है उनके तहत। देखिए अदिति जी, जो भी कहे, जैसे भी सियासत करनी हो, मैं तो एक पॉलिटिकल आदमी हूं, मुझे तो किसी से लेना देना नहीं है। मैं तो देख रहा हूँ, फौज में रहा 40 साल, तो मैं बता सकता हूँ कि मेरे वक्त क्या हुआ, मैं तो बता सकता हूँ अब क्या हो रहा है, क्यों चीन इस तरीके से कर रहा है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो ये पहले से ही मैकमोहन लाइन के ऊपर है और मैकमोहन लाइन का जो परसेप्शन है, हमारे परसेप्शन और उनके परसेप्शन में अभी नहीं, 1914 से लेकर के आज तक वो परसेप्शन अलग अलग है और 1950 के बाद जो हुआ है वो आज तक मानने को तैयार नहीं है। इसलिए ये जो यांगसे है, खासकर जब सुंदरबन चू में जो हादसा हुआ 1986 में, उसके बाद हम लोगों ने इस पूरे इलाके को परमानेंटली पकड़ लिया, पेट्रोलिंग नहीं करते पकड़, हमने इसको, ये बड़ा सा प्लेटो है 14,000 फुट के ऊपर, ये प्लेटो है जहाँ पे हमारी सेना बैठती है और बैठी हुई है। इसलिए ये पहले से वो चाहते हैं, ये ग्रेजिंग ग्राउंड है, यानी कि यहाँ पे उनके जो पशु है, जो याक है, वो चरने के लिए आते हैं और वहां पे अमूमन जो गाँव में ये माना जाता है कि जो उनके इस गाँव का जो याक है, जहां तक वो चढ़ता है उनकी जमीन मानी जाती है। तो हमारे याक भी उसके भी आगे जाके चढ़ते हैं, उनके भी याक आगे आके चढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो यांग की जो पोस्ट है, वहां पे दीवार बना रखी है हम लोगों ने, पत्थरों की दीवार है और अमूमन वो आते थे, मेरे वक्त भी आए हैं, मैंने भी उनसे बातचीत की है। उस दीवार के उस पार हम उनको रखते थे, वही चाय पानी पिला करके उनको वहां से वापस भेज देते थे, बातचीत होती थी उनको, बता देते। जल्दी से कॉमेडी यहाँ पे कलीम उल हफीज ये कह रहा है, डिफेंस से जुड़ा हुआ मामला है, मिलिट्री को हैंडल करने दीजिए, सियासी दलों को क्या फिक्र, या सियासी दलों को क्यों दखलंदाजी है, यहाँ पर राजनीति क्यों हो रही है। देखिए, ये एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ एक संसदीय प्रणाली है, सेना भी संसद के अधीन है। शर्म की बात यह है कि जो बात सरकार को देश को बतानी चाहिए वो मीडिया सरकार को और देश को बता रहा है, ये कितने अफसोस की बात है। यानी एक इतनी बड़ी घटना हो और उसको मीडिया लीक करे, ये सरकार की जो विश्वसनीयता है या सरकार की जो जिम्मेदारी है उस पर सवाल निशान नहीं लगाता क्या? 1962 की जंग जिसमें हमें नुकसान हुआ तो क्या संसद में चर्चा नहीं हुई थी या देश को नहीं बताया गया था? या और अब तक जितनी भी सीमाओं पे जो घटनाएं हुई हैं उसका क्या सरकार ने देश को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है? ये कौन सी नई चीज आ गई जो कोई ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है किसी एक पार्टी की? अरे ये देश का मामला है, देश की जनता को, और ठीक है आप पब्लिक नहीं करना चाहते तो आप संसद में चर्चा करिए, संसद में भी नहीं चर्चा करना चाहते तो आप डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट कहां गया? मीटिंग बुलाइए, उसमें कर दीजिएगा इसको, आउट नहीं करना है। एक सेकंड कलीम उल हफीज जी, मैं समझना चाह रही हूँ, आप लोगों के सवाल भी समझना चाह रही हूँ, सरकार का जवाब भी समझना चाह रही हूँ और देश इस वक्त कहां खड़ा है वो भी समझना चाह रही हूँ। एक सेकंड,